राम राम अब्बा जी। राम 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 राम। मेरा नाम रविंद्र सिंह यादव है, मैं एक्सिस डेवलपमेंट सर्विस से आया हूँ। आप अपना परिचय देंगे? हाँ देंगे। हाँ बोल। मैं, मेरा नाम संजम सिंह यादव। अच्छा, आपका नाम संजम सिंह यादव। ग्राम गोपालपुर का रहने वाला हूँ। आप ग्राम गोपालपुर में रहते हैं? रहते हूँ। आज बब्बा जी आप हमारे लिए क्या बताने वाले हो आप? हम तुम्हें चूना और तम्बाकू से घोल तैयार, कीटनाशक घोल तैयार करने के बारे में बता दें। अच्छा, आप चूना और तम्बाकू से तम्बाकू कीटनाशक घोल तैयार करने वाले हो। अच्छा बब्बा जी, आप जो कीटनाशक घोल बनाते हैं तो आप इसे कैसे बनाते बताएंगे? 1 लीटर गर्म पानी, 100 ग्राम तम्बाकू और 20 ग्राम चूना। अच्छा, एक लीटर गर्म पानी, 100 ग्राम तम्बाकू और 20 ग्राम चूना चूना मिलाते हो, इससे आपका कीटनाशक घोल तैयार हो जाता है। चलो मैं तुम्हें बना के बता दूँ। ये 100 ग्राम तम्बाकू है। अच्छा, ये आपका 100 ग्राम तम्बाकू है। 20 ग्राम चूना है। अच्छा, ये 20 ग्राम चूना है। ये हमारा 1 लीटर गर्म पानी है। अच्छा, ये 1 लीटर गर्म पानी। आप क्या करोगे बब्बा जी? इस चूना को और तम्बाकू को इस गर्म पानी में मिला देंगे। अच्छा, इस तम्बाकू और इस चूने को गर्म पानी में मिला देंगे। मिलाइए और अच्छा, ये तम्बाकू आपका पानी में पूरा डल चुका है। ये तम्बाकू की पानी में तम्बाकू की परत बन गई। अच्छा, ये तम्बाकू की पानी के ऊपर एक परत बन गई। अच्छा बब्बा जी, आप ये लकड़ी से क्यों ला रहे हैं? ये पानी गर्म। अच्छा, ये पानी गर्म है इसलिए लकड़ी से ला रहे हैं, जिससे आपको नुकसान ना पहुँचे। तम्बाकू पूरी तरीके से पानी में मिल गया। मिल चुकी। हमने जो तम्बाकू डाल लिया, अब चूना डालेंगे। अच्छा, आपने ये तम्बाकू डाल दिया, इसके बाद आप चूना डालेंगे। चूने को डाल रहे हो पानी में। ये आपका पूरी तरह पूरा चूना डल चुका है पानी में। पूरा चूना डल चुका है। अच्छा बब्बा जी, आप अब क्या करोगे? इसको चूना और तम्बाकू को पानी में लकड़ी से अच्छी तरह से मिलाएंगे, तीनों चीज़ें मिल जाएंगे। अच्छा, चूना, तम्बाकू और पानी को अच्छी तरीके से मिलाएंगे लकड़ी की सहायता से, जिससे ये अच्छी तरह से मिल जाए। मिलाइए। इसको आप कितनी देर तक मिलाते रहेंगे? कम से कम दो तीन मिनट तक मिलाएं। अच्छा, तो कम से कम 2-3 मिनट तक इसे मिलाते रहेंगे, जब तक ये अच्छी तरीके से मिल ना जाए। ये अब अच्छी तरह से मिल गया है। अब ये मिल गया है, तो अब इसके मिलने के बाद आप क्या करोगे? इसको रखेंगे, कम से कम 1 दिन रखा रहे। अच्छा, कम से कम 1 दिन के लिए रखेंगे। अच्छा, 1 दिन यानी कि 12 घंटे तक रखा रहे। अच्छा बब्बा जी, आपने जो घोल बनाया था कीटनाशक घोल, उसे आपने 12 घंटे के लिए रख दिया था। आप उसे 12 घंटे हो चुके हैं, आप उसे देखें आप। अब चलाओ, अपन देख तैयार हो गए। चलिए, जी देखो ये घोल तैयार हो कीटनाशक। अच्छा, आपका ये कीटनाशक घोल तैयार हो चुका है। अच्छा बब्बा जी, आप इसके बाद अब क्या करोगे? इस कपड़े से इसको छानेंगे। अच्छा, आप इसको कीटनाशक घोल को छानेंगे। अच्छा बब्बा जी, आप ये कीटनाशक घोल को क्यों छानेंगे? इसलिए छानेंगे कि इसमें जो तम्बाकू है वो पंप में अड़ जाएगी, फंस जाएगी, तो पंप ठीक से नहीं चलेगा। इसलिए आप पंप में ना अड़िए, तम्बाकू की जो पत्तियाँ हैं वो पंप में ना अड़ें। देखिए अब इसको हम छानेंगे। अच्छा, छानने के बाद इसको अच्छी तरह से मसल देंगे, इसलिए पूरा इसका अर्घ उतर जाए। छानने के बाद इसे अच्छी तरीके से आप मसल रहे हो, जिससे इसका जो अर्घ रहता है वो पूरा निकल जाए।
ये हमारा कीटनाशक घोल तैयार है, अच्छा ये आपका पूरी तरीके से कीटनाशक घोल तैयार है। तैयार हो चुका है। अच्छा बब्बा जी, ये घोल तैयार होने के बाद आप इसका क्या करोगे? इसको अब 10 लीटर पानी में मिला करके और फसल पर छिड़काव करेंगे, अच्छा, इस 10 लीटर पानी में से मिलाएंगे मिलाएंगे, और इसे फसल पे छिड़काव छिड़काव कर। करेंगे। अच्छा बब्बा जी, आपने हमारे किसान भाइयों को ये कीटनाशक घोल बनाने की प्रक्रिया बताई, तो आप हमारे किसान भाइयों को इसके लाभ बताएंगे? बताएं, हाँ, तो बताइए बब्बा जी। इसके छिड़काव से मक्खी, कीटनाशक जो भी इल्ली मक्खी कुछ भी होता है वो समझ इसके छिड़काव से नष्ट हो जाता है। अच्छा, जो इल्ली मच्छर या जो भी कीड़े होते हैं इसके छिड़काव से मर जाते हैं। बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। अच्छा बब्बा जी, आपने हमारे किसान भाइयों को ये कीटनाशक घोल बनाने की प्रक्रिया बताई और इसके लाभ बताए, तो आप हमारे किसान भाइयों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? चाहे इस घोल को अपन ने तैयार किया है, ये सभी चीज़ें अपने घर पे उपलब्ध हैं और बहुत सरल हैं। सभी किसान भाइयों को उपदेश यही देता हूँ कि इससे समक्ष कीटनाशक मच्छर मक्खियाँ सभी नष्ट हो जाते हैं, तो सब अपने घर पे बना कर इसका छिड़काव करें। सब इसका उपयोग एक बार करके देखें, इससे बहुत सारे लाभ हैं। अच्छा बब्बा जी, आपने हमारे किसान भाइयों को ये कीटनाशक घोल बनाने की प्रक्रिया बताई, इसके लाभ बताए और हमारे किसान भाइयों को एक अच्छा संदेश दिया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम राम। राम।